अपनी दिल्ली सबकी दिल्ली। श्री मिथिला शारदीय दुर्गा पूजा समिति द्वारा शारदीय दुर्गा पूजा महोत्सव का आयोजन किराड़ी में किया जा रहा है। इस मौके पर प्रसिद्ध गायकों ने भी मां दुर्गा का गुणगान किया। मेरा नाम भुवन मिश्र है। मैं दिल्ली सरकार में संस्कृत पीजीटी अध्यापक था, अब रिटायर कर चुका हूं। मैं विगत 29 वर्ष से इस महारानी की सेवा में निरंतर लगा हुआ हूं। इसका मुख्य उद्देश्य यह है, जो हम लोग शक्ति के उपासक हैं और हमारा एक ही उद्देश्य रहा पूजन का, जो विश्व कल्याणार्थम विश्व शांति के लिए हमारा ये शक्ति का उपासना रहा है। और एक तरफ से समाज में समरसता कायम करने के लिए, समाज में एकजुटता कायम करने के लिए इसी बहाने हम एकत्रित होते हैं। और ये शारदीय दुर्गा पूजन महोत्सव, वैसे वर्ष में 4 नवरात्र होता है, परंतु 2 प्रमुख होता है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का और ये आश्विन शुक्ल प्रतिपदा का। तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ इसी आश्विन मास में इस शक्ति का उपासना करते हैं, जिससे हम लोगों को नकारात्मक शक्ति समाप्त हो और हमारे अंदर में सकारात्मक शक्ति आवे, विश्व बंधुता आवे, शांति आवे, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। आज का जो पूजा है, ये 10 दिन की पूजन का, जैसे दूध का तत्व घी होता है, उसी प्रकार संपूर्ण पूजन का तत्व ये निशा पूजा होता है। वैसे साल में 3 ही रात होता है, काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रि। वैसे सामान्य रात होता है 362 का, लेकिन 3 रात वास्तव में काल रात्रि, महारात्रि और मोह रात्रि। तो आज काल रात्रि है, यद्यपि इसके पीछे बहुत बड़ा लंबा वो है, उतना मैं भी बता नहीं पाऊंगा। और आज के दिन जागरण करने का हमारे सनातन धर्म में ये लिखा हुआ है, जो आज के रात हम जगें और विश्व कल्याणार्थ जो है सो हम देवी की आराधना करें, जागरण करें। मेरा नाम रंजीत चौधरी है। मैं श्री मिथिला शारदीय दुर्गा पूजा समिति का पूर्व का महासचिव के पद पर रहा हूँ। हमारी यह पूजा निश्चित रूप से इस बात का द्योतक है कि हम लोग उत्तर प्रदेश और बिहार में रहने वाले पूर्वांचल के लोग और बंगाल के लोग नवरात्रे में, शारदीय नवरात्रे में दुर्गा पूजा करते रहे। और जब हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग वहाँ से पलायन करके दिल्ली आए, तो हमने अपनी सभ्यता और संस्कृति, तत्कालीन जो हमारे पुरोधा थे उन्होंने अपनी सभ्यता और संस्कृति के रक्षार्थ 1991 में इस पूजा की स्थापना की। और आज यह पूजा हमारी सभ्यता और संस्कृति का द्योतक के रूप में पूरे दिल्ली, पूरे NCR, पूरे देश, यहाँ तक कि पूरे पूर्वांचल के लोग जहाँ भी विदेशों में रहते हैं, वहाँ भी हमारी इस पूजा समिति और पूजा की चर्चा है। 29वां वर्ष इस दुर्गा पूजा का है। और 1991 में जब यहाँ कॉलोनियाँ बसनी शुरू हुई, यह अनधिकृत कॉलोनी अभी भी है, जब कॉलोनी बसना शुरू हुई तो उस समय में 10, 20, 25, 50 घर रहे। उस समय में ये था कि यहाँ के व्यवस्था को बनाने के लिए, आपस में एकजुटता बनाने के लिए, सामाजिक समरसता उत्पन्न हो, इसके लिए एक माध्यम के रूप में इस पूजा का स्थापना हुआ। और आज यह पूजा वटवृक्ष के रूप में समस्त समाज की एकरूपता और समरसता का द्योतक बन गया है। मैं संजय कुमार झा, पूर्व महासचिव श्री मिथिला शारदीय दुर्गा पूजा समिति। 1991 में स्थापित यह पूजा, निश्चित रूप से इसका ध्येय धार्मिक तो था ही, लेकिन सामाजिक एकजुटता, खासकर हम लोग 1,200 किलोमीटर दूर से यहाँ आए और अपनी संस्कृति को अपने हृदय में दबाकर यहाँ तक पहुँचे और उसे मूर्त रूप देने के स्वरूप में इस समिति का निर्माण हुआ। और इसके माध्यम से हमने सामाजिक और धार्मिक एवं राजनीतिक रूप से भी हम इस संस्था के माध्यम से मजबूत हुए, क्योंकि हम संगठित हुए। और इसका मूल उद्देश्य माननीय आचार्य जी ने बताया कि विश्व बंधुत्व तो है ही, साथ ही इस समय जो हमारा बिहार बाढ़ की विभीषिका से गुजर रहा है, इससे पहले भी ये चमकी बीमारी थी, तो इस माध्यम से हम लोगों का ध्येय, इस संस्था का ध्येय सर्व कल्याणार्थ होता है। और हमारी
आत्मा निश्चित रूप से हम बिहार से यहाँ आ गए, लेकिन फिर भी हमारा ध्यान वहाँ पर है और वहाँ जो बुरा हाल है, जो हमारे भाई बंधु बाढ़ की विभीषिका से त्रस्त है, उन्हें त्राण दिलाने के लिए भी हम माता रानी के चरणों में निश्चित रूप से पूजन अर्चन करते हैं कि हे माँ, हमारे बिहार वासियों को इस त्रासदी से त्राण दिलाओ और वहाँ के शासन और सत्ता को सजग करो कि उनके भलाई का काम करें। जय माता की। मैं संजीव कुमार झा, जब 1991 में यह पूजा माँ भगवती का आराधना शुरू हुआ, मैं उसी साल से हूँ, निरंतर 29 वर्षों से हूँ यहाँ। उस समय में लोग 150-200-250 लोग होते थे, आज हमारे पास जगह नहीं है। और इस माँ की शक्ति का जो भी यहाँ एक रूप है, उसमें आस्था का केंद्र बिंदु जो श्रद्धेय आचार्य जी यहाँ पूजा करते हैं, उसका जो यहाँ की जो भाव भंगिमा है सजावट से लेकर के, और मूर्ति के लिए 7 जगहों से जो मिट्टी ला करके 1 महीना पहले से मूर्ति का निर्माण होता है और प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद यहाँ भव्य पूजन होता है। आज निशा पूजन की रात्रि है और निश्चित रूप से 10 दिन के पूजन का सार तत्व इस पूजन में समाहित है। यहाँ आपके सामने में जो यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ पर श्रद्धालु मातृशक्ति ये सभी आह्लादित होते हैं। माँ भगवती का असीम अनुकंपा है हम सब पर कि हम लोगों को यहाँ ऐसा वरदान देती हैं, ऐसा शक्ति दी हुई हैं जो हम लोग इससे निरंतर सालों भर इस शक्ति से हम लोग ऊर्जावान बने रहते हैं। मैं शशांक झा, अध्यक्ष श्री मिथिला शारदीय दुर्गा पूजा समिति, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि हमारे पूर्व के वक्ता ने कहा, सन 91 में इसकी स्थापना हुई और पिछले 29 साल से हम ये हर्षोल्लास इसको मना रहे हैं। सबसे बड़ी बात, इसकी खासियत यह है कि आपने हजारों हजार की संख्या यहाँ पे देख रहे हैं कि लोग उपस्थित हैं, ये सारे श्रद्धालु हैं, इनकी आस्था है और आस्था से ये सराबोर हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मिथिला मैथिली पद्धति से की जाने वाली पूजा सांस्कृतिक रूप से इतनी रिच, पूरे देश में आप कहीं भी ढूंढेंगे आपको कहीं नहीं मिलेगी। हमारे बच्चे जितने भी यहाँ हैं, आप उनसे मिलेंगे, उनसे पूछेंगे, यहाँ की जितनी पद्धति है वो संस्कार हमने सबको दिया है। यहाँ का वातावरण आप देखेंगे कि यहाँ पे जहाँ भी सब सराबोर है, श्रद्धापूर्ण यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कोई भी इस तरह की कोई हल्ला गुल्ला कहीं भी कोई आपने देखा नहीं होगा। आपने देखा होगा ये जो स्थल है लगभग 1000 गज का ये स्थल है, ये यहाँ के निवासियों ने जब बिहार से आए तो स्वयं को स्थापित करने के लिए और अपने बच्चों को वो जो महान परंपरा हमारे को वहाँ से मिली थी उसको यहाँ पे उनके अंदर डालने के लिए, उसे वो भूले नहीं, इसके लिए हमने 1000 गज की यहाँ पे जितने भी सदस्य मिलके इसको खरीदा और यहाँ पे स्थापना की। मैं धन्यवाद देता हूँ उन लोगों को जिन्होंने 29 साल पहले इसको सोचा और आज सफलतापूर्वक मैं अपनी अध्यक्षता में महोत्सव का आयोजन कर रहा हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ और माई जगदम्बा को कहता हूँ कि सभी जितने भी हमारे श्रद्धालु हैं और जो हमारे साथी हैं, व्यवस्थापक हैं, सबको आशीर्वाद दें, उनका कल्याण करें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें। हमारे अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।